हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुचिका और आज आ गया है वीडियो नया, जिसमें मैंने जो फ्लावर्स बनाए थे पिछली बार कार्डबोर्ड से ही, उसके लिए उनका मैं यूज़ दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने लिया है ये कार्डबोर्ड, तो इसी से मैं बनाऊँगी आज का वीडियो, आज का शो पीस जो भी है। तो इसको मैं जहाँ पर मोड़ है उतना ही कट कर लूँगी, अदरवाइज़ मोड़ बीच में आ जाएगा तो बेस अच्छा नहीं बनेगा। तो मैं कट कर लेती हूँ मोड़ से ही, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद लंबाई थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल दिया है। देन मैं ले रही हूँ एक येलो कलर का चार्ट पेपर, और उसको मैंने कार्डबोर्ड का जो पीस लिया है उससे इतना एक्स्ट्रा कर लिया है, करीब एक 1.5 इंच होगा लगभग, और चिपका दूँगी इसी तरह से, देख सकते हो आप। इसमें मैंने कोई कट नहीं लगाया, बस डायरेक्ट उठा के चिपका दिया है। तो इसी तरह से मैं चारों चिपका लूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने अपना बेस रेडी कर लिया है, ये देखिए। और अब मैं इसमें कार्डबोर्ड फिर से बीच वाला पार्ट निकालूंगी, कार्डबोर्ड का ऊपर वाला जो है वो निकाल दूंगी मैं, बीच वाला एक्चुअली मतलब ऊपर वाला ही निकालूंगी बस, नीचे वाला पेपर जो चिपका रहता है इसके वो चिपका रहेगा। तो इस तरह से निकाल लूँगी और साफ़ कर लिया है इतना पूरा। इसके बाद मैं, ये आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत इसका शेप बिगड़ा हुआ है उसको इस तरह से फिंगर से मैं उठा दूँगी तो वापस शेप में आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद मैं इसकी स्ट्रिप कट कर लूँगी। मैं 3-3 लाइंस की जो चौड़ाई ले रही हूँ, मैं वो 3-3 लाइंस की ले रही हूँ, ये देख सकते हो आप। जो उभार वाला पार्ट है वो 3 मैंने लिया है, तो इस तरह से मैं 4 कट कर लूँगी, 4 स्ट्रिप्स और कट कर ली है मैंने अभी। और इसके बाद मैं रख के, आप देख सकते हो इसकी लंबाई में तो बिल्कुल फिट आ रहा है, बट थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है जो फिनिशिंग करनी है वो मैं कर ले रही हूँ इसमें लंबाई की तरफ, और चौड़ाई की तरफ मुझे थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी तो नाप के मैं वो भी कट कर लूँगी। जैसे आप देख सकते हो नीचे की साइड थोड़ी सी लंबी है ये दूसरी साइड वाली लंबाई में, तो इसको भी मैंने कट कर लिया है। इसी तरह से चारों मैंने रेडी कर ली हैं। इसके बाद मैं ले रही हूँ फेविक्रिल का ब्लैक कलर, एक्रेलिक है, और इनको पेंट कर दूँगी। पेंट करने के लिए मैंने चौड़ा सा ब्रश ले लिया है ताकि ये फटाफट से हो जाए, तो इनके जो ब्रशल होते हैं वो भी लंबे हैं तो अच्छे से कलर हो जाएगा। तो इसी से मैं कलर कर लूँगी, सारी ही कर लूँगी 4। इस तरह से देख सकते हैं चारों कर ली हैं। और इसके बाद मैंने एक साइड जो प्लेन रखा है उसमें फेविकोल लगा दूँगी और इनको स्टिक कर दूँगी अपने बेस पे, ये देखिए लंबाई वाली है ये। अच्छे से करेंगे, किनारा बिल्कुल भी इधर उधर दिखाई ना दे ताकि बॉर्डर की जो फिनिशिंग है वो अच्छी आए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा भी लगता है ये तरीका बॉर्डर का। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है बॉर्डर के कई तरह के से मैंने शेयर किया है आपके साथ, इस तरह का भी लुक आ जाता है जैसे मैंने पहले किया था, बट ये वाला थोड़ा इजी है। तो इसी तरह से मैंने चारों लगा लिए हैं, ये देख सकते हैं आप, और इसका बॉर्डर बन के तैयार है। तो हमारा पूरा बेस कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। और इसके बाद बारी आती है फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स आपने देख ही लिए हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं देखे हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा।
और इस तरह से एक मैं आपको लुक दिखा दे रही हूँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया भी था। इस तरह से सेट कर सकते हैं या अपने मनमर्जी से अगर आपको और कोई डिज़ाइन समझ में आती है तो उस तरह से भी सेट कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर सर्किल में फ्लावर्स लगाए हैं, पहले से रख लिए हैं ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि मुझे कहाँ पर इनका जो मैं प्लांट बनाने वाली हूँ वो कहाँ तक मुझे कैसे ड्रॉ करना है। तो इस तरह से मैंने ब्राउन कलर लिया है और उसी से ड्रॉ कर दूंगी ताकि मुझे एक फिक्स जगह पता रहेगी कि मुझे फ्लावर इस जगह पे पेस्ट करना है। तो अभी मैं वही रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है। अब जहाँ जहाँ पर भी फ्लावर ऐसे ही रखे हुए हैं उनको मैं फेविकोल लगा के स्टिक कर लूँगी। और जो ये वाला फ्लावर है ये मुझसे गलती से अपनी फिक्स जगह पे नहीं चिपका, मैंने कहीं अलग ही रख दिया, बट बाद में ध्यान दिया मैंने तो इसको मैंने फिर से उसकी सही प्लेस पर पहुँचा दिया है। एंड इसके बाद लीफ आप देख रहे हैं, इनको भी मैं पेस्ट कर दूँगी। और अभी मैं लीफ एक एक क्या बोलूँ, मैंने यहाँ चिपकाई ऐसे चिपका रही हूँ वैसे चिपका रही हूँ। तो आप देखते जाइए और म्यूज़िक का आनंद लेते जाइए, म्यूजिक सुनते जाइए और देखते जाइए। तो ये है लास्ट वाली लीफ जो मैं चिपका रही हूँ और आपने देख ही लिया है, मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत लगी है मैंने जिस तरह से मुझे लगा वहाँ पर मैंने इनको चिपका दिया है। तो फाइनल लुक इसका आप देख ही रहे हो कैसा बनाएंगे। और मुझे लगता है मैंने कार्डबोर्ड ही ज़्यादा यूज़ किया है इसमें, तो मैं वेस्ट ही बोल सकती हूँ इसको, वेस्ट मटेरियल से ही बन के तैयार हुआ है ये भी। तो अगर आपके पास भी कोई कार्डबोर्ड पड़ा है तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। और ध्यान दिया होगा आपने पिछली वीडियो में मैं फ्लावर्स से मैंने बोला भी था कि इनका एक्चुअल कलर बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। आप देख सकते हो ये कितना प्यारा सा कलर है और मैंने इनमें एक्रेलिक कलर यूज़ भी नहीं किया है लीव्स एंड फ्लावर्स में। तो चलिए आप बताइएगा ज़रूर मुझे कि आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलती हूँ आपको किसी नए अपने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।